Hello students, myself Srishti and I am here to teach you business analysis and forecasting. Hope you all are doing well and good, and please be at home and stay safe. So now let's start with our topic. Today we are going to see the lecture 2 of business analysis and forecasting. In the last lecture we have seen the nature of business and the structure of business. Today we are going to see the concept of business system and forecasting techniques. So let's see that the system helps the business organizations to achieve their goals. A business system is a combination of policies, personnel, equipment and computer facilities to coordinate the activities of a business organization. It establishes the rules and procedures of that organization which are to be governed. Business system decides how data must be handled and is methodically processed. It also controls the procedures for an inventory, monitor the future corporate profits or post-credit sales to the online customer accounts. The overall nature of the business system will reflect the efficiency of its designers. Business system, ठीक है, आप देखिए कोई भी काम आप करते हैं, जैसे आपके यहाँ कोई फंक्शन भी है, कोई इवेंट भी होना है एंड ऑल, तो आप क्या करते हैं, शुरुआत में उसको प्लान करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डेलीगेट करते हैं, ठीक है, हर काम एक सिस्टम से करते हैं कि नहीं. अब जैसे घर पे जब मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि जब शादी भी हुआ करती है तो लोग क्या करते हैं कि हर डिपार्टमेंट का काम एक जन को बांटते हैं कि या आपको देखना है या आपको करना है, एक सिस्टम से चलाते हैं. क्यों? क्योंकि सिस्टमेटिक काम के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अनसिस्टमेटिक वर्क. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि बिजनेस भी चीज़ जो होता है उसके लिए भी एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है. अब जैसे कि मान लीजिए बिजनेस किसी ने स्टार्ट किया, अब जो टीम बिजनेस को मैनेज कर रही है वही टीम गुड्स को बनाने में भी लग जाए, हाँ, तो क्या काम हो जा पाएगा? नहीं हो पाएगा. क्यों? क्योंकि जो गुड्स बनाते हैं उनका काम उनका है और जो मैनेज करते हैं उनका काम अपना उनका है खुद का. ठीक है, तो इसीलिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो है आप जो है एक सिस्टम से काम करवाए. ठीक है, तो सिस्टम क्या है? इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज, पर्सोनल, इक्विपमेंट एंड द कंप्यूटर फैसिलिटीज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ देंगे मीन स्टाफ. कुछ कंप्यूटर रखे होंगे, कुछ और टाइप के इक्विपमेंट्स होंगे, हो सकता है उसी के पास उनकी फैक्ट्री भी हो पीछे की ओर जहाँ पे उनके गुड्स बन रहे हो, और कई डिपार्टमेंट होंगे, हर डिपार्टमेंट में कुछ स्टाफ होंगे जो कि अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे होंगे. ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बिजनेस सिस्टम, क्योंकि जब तक ये सब नहीं होगा एक सिस्टमेटिक वे से काम हो ही नहीं पाएगा. जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ नहीं होंगे तो काम कौन करेगा? कंप्यूटर नहीं होंगे तो काम कैसे होगा? पॉलिसीज नहीं होगी, हाँ, तो हम कैसे जान पाएंगे कि स्टाफ कैसे जान पाएंगे कि काम कैसे करना है, किस वे से करना है, कब करना है, कहाँ करना है या क्यों करना है. ठीक है, तो इट establishes द रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच आर टू बी governed. ठीक है, ये रूल्स और प्रोसीजर्स को establish करता है जिन रूल्स से ऑर्गेनाइजेशन govern होता है. बिजनेस सिस्टम decides हाउ डेटा must बी handled एंड इज methodically processed. इट also controls द प्रोसीजर्स ऑफ द प्रोसेस डेटा एंड results टू बी displayed. फॉर example, a system में automatically order parts for an inventory, monitor the future corporate profits or post-credit sales, card sales to the online customer accounts. The overall nature of the business system will reflect the efficiency of its designers.
बिजनेस सिस्टम डिसाइड्स हाउ डेटा मस्ट बी हैंडल एंड इज मेथोडिकली प्रोसेस्ड। ठीक है, अब जाहिर सी बात है आप कोई किस एरिया में कितने कस्टमर थे, लास्ट बार सेल्स क्या थी इस एरिया में, और कौन टारगेट मार्केट हो सकता है, और प्रोडक्शन की कॉस्ट किस कंपनी को क्या आई है, एंड ऑल, ये सब डेटा हुआ करते हैं जिनका यूज़ बिजनेस सिस्टम के थ्रू ही हर डिपार्टमेंट में होता है, सिस्टमेटाइज्ड यूज़ होता है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द प्रोसीजर्स ऑफ द प्रोसेस डेटा एंड द रिजल्ट्स टू बी डिस्प्लेड। ठीक है, द प्रोसीजर ऑफ द प्रोसेस डेटा मीन्स डेटा जिसकी प्रोसेसिंग हो गई है हर डिपार्टमेंट से जो आ गया है, तो उसके रिजल्ट कैसे डिस्प्ले होंगे, कहाँ डिस्प्ले होंगे, इसका भी सिस्टम के तहत ही तो बैठ के फैसला लिया जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल, अ सिस्टम में ऑटोमेटिकली ऑर्डर पार्ट्स फॉर एन इन्वेंट्री, मॉनिटर द फ्यूचर कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स और द पोस्ट क्रेडिट सेल्स टू दी ऑनलाइन कस्टमर अकाउंट्स। दी ओवरऑल नेचर ऑफ द बिजनेस सिस्टम विल रिफ्लेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ इट्स डिजाइनर्स। ठीक है, अब होता क्या है कि जो है एकदम से वो जो है ऑर्डर कर सकते हैं इन्वेंट्री, ठीक है, और वो मॉनिटर कर सकते हैं क्या, फ्यूचर कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स और पोस्ट क्रेडिट सेल्स, कौन, सिस्टम बैठ के टू द ऑनलाइन कस्टमर अकाउंट। ठीक है, तो जितना भी बिजनेस सिस्टम है ये क्या दिखाता है, ये एफिशिएंसी दिखाता है सिस्टम के डिज़ाइनर्स की। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है बिजनेस सिस्टम के। फर्स्ट इज़ टू मीट द यूज़र एंड द कस्टमर नीड्स। जैसा कि मैंने आप सबसे क्या कहा था कि पूरा जो मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है वो अब कस्टमर ओरिएंटेड है, वो अब कस्टमर्स पर बेस्ड है। ठीक है, फिर आता है टू कट डाउन द ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड इंक्रीज द सेविंग्स। ठीक, कॉस्ट लगाकर ज़्यादा पैसा कमाएं और सेविंग्स कर लें। ठीक है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट इज टू स्मूथ इन द फ्लो डेटा थ्रू वेरियस लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जो भी डेटा फ्लो हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल से, उसका भी स्मूदन का करना, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए अब कोई डेटा है एक ऑर्गेनाइजेशन में, चार पांच टाइप के डिपार्टमेंट है, अब हर डिपार्टमेंट को वो डेटा चाहिए अपने अपने स्टेज पर, तो वो कैसे एक डिपार्टमेंट से काम हो के नेक्स्ट डिपार्टमेंट तक आएगा एंड ऑल, ये सब सिस्टम का ही काम है, बिजनेस सिस्टम का। नेक्स्ट इज़ टू स्पीड अप द एग्जीक्यूशन ऑफ द रिजल्ट्स विद द रिलायबल डेटा अवेलेबल इन अ सिस्टम। ठीक है, जाहिर सी बात है रिजल्ट्स जल्द से जल्द आए, जिससे इसीलिए स्पीड अप किया जाता है क्या, अपने सिस्टम को, जिससे कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट्स बाहर आए, आउटपुट मिले। नेक्स्ट इज़ टू हैंडल द डेटा एफिशिएंटली एंड प्रोवाइड टाइमली इन इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। हैंडल द डेटा एफिशिएंटली एंड प्रोवाइड टाइमली इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो भी डेटा मिलता है उसको एफिशिएंटली मैनेज कीजिए और टाइमली उसकी इंफॉर्मेशन दीजिए किसे, मैनेजमेंट को। ठीक है, तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स। नाउ लेट अस सी द टाइप्स ऑफ बिजनेस सिस्टम। टाइप्स ऑफ बिजनेस सिस्टम में वी कैन सी द पेरोल बिजनेस सिस्टम, ठीक है, द पर्सोनल बिजनेस सिस्टम, अकाउंट्स रिसीवेबल सिस्टम, अकाउंट्स पेबल सिस्टम, इन्वेंट्री सिस्टम। अब यहाँ फिर पर्सोनल बिजनेस सिस्टम मीन स्टाफ का एक बिजनेस सिस्टम, स्टाफ का मैनेजमेंट, स्टाफ की जो रिक्वायरमेंट्स है वो उसका सिस्टम, स्टाफ की फैसिलिटीज़ एंड उनको जो बेनिफिट्स, उन सब का सिस्टम पर्सोनल बिजनेस सिस्टम में आएगा। उसके बाद आता है अकाउंट्स रिसीवेबल सिस्टम, कि अकाउंट में कितना पैसा आया, किसके, उस बिजनेस के अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है, वो जो बिजनेस का कर रहे थे वो कहाँ तक और कितना हद तक वो सक्सेसफुल है। आफ्टर दैट अकाउंट्स पेबल सिस्टम,
ठीक है, मीन्स कितना खर्चा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है प्रोडक्शन में, या आप कह सकते हो जो भी लोन लिया था वो सब कितना जा रहा है, और साइड बाय साइड कितने खर्चे हो रहे हैं। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री सिस्टम, कि कितना हमारे पास स्टॉक है, मीन्स जैसे मान लो जिन गुड्स का भी हम प्रोडक्शन करते हैं एंड ऑल, तो उनका कितना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट इज नाउ वी आर गोइंग टू सी द फोरकास्टिंग टेक्निक्स। अब फोरकास्टिंग क्या हुआ करता है कि जैसे कि कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो जाहिर सी बात है उसको लेके आपके माइंड में, या जो बिजनेस स्टार्ट करता है उसके माइंड में कुछ प्रिडिक्शंस रहते हैं कि कितना सक्सेसफुल होगा, कितना फ़ायदेमंद होगा ना। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फोरकास्टिंग, जो कॉम्पिटिटर्स का डेटा देख के, मार्केट देख के फोरकास्ट करते हैं कि हाँ ये जो हम जो काम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये हमारे लिए कितना लाभदायी हो सकता है, तो इसको हम फोरकास्टिंग कहेंगे। अब इसकी भी कुछ टेक्निक्स हुआ करते हैं कि हम कैसे एंड ग्रोथ रेट, मैथ्स कितनी इन्वॉल्व है, मिनिमम लेवल की एंड डेटा नीडेड हिस्टोरिकल डेटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या है, स्ट्रेट लाइन, जैसे कि आप अब नाम से ही गेस कर सकते हो कि जैसे कि मान लो आपने कोई कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट का बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, आप क्या करोगे कि जिस मार्केट में आप बिजनेस कर रहे हो उसी मार्केट में कॉम्पिटिटर्स का लास्ट ईयर का आप डेटा उठाओगे। ठीक है, और देखोगे कि उनको कितनी सेल हुई है, कितना वो प्रॉफिट में गए हैं एंड ऑल, उसी बेसिस पे आप जो है ये गेस कर लोगे कि आपका क्या हो सकता है। या तो मान लो कि आपका बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, आपको इस साल का फोरकास्ट करना है कि ये साल कैसा रहेगा, आप अपने लास्ट ईयर्स के डेटा उठाओगे, हिस्टोरिकल डेटा। ठीक है, उसी को देख के कि कॉन्स्टेंट वे से ग्रोथ हो रही है या कॉन्स्टेंट वे से फॉल हो रहा है, यही सब देखकर आप जो है एक फोरकास्टिंग कर दोगे कि हाँ लास्ट ईयर्स में ऐसा हुआ था, इतना परसेंट ग्रोथ हुआ था, यूँ हुआ था। ठीक है, तो इसी में जो है इस साल भी ऐसा होगा। अब आता है मूविंग एवरेज, इसका जो यूज़ है वो रिपीटेड फोरकास्ट का है। फिर मैथ इन्वॉल्व मिनिमम लेवल और हिस्टोरिकल डेटा। ठीक है, मूविंग एवरेज क्या क्या है कि अब मान लो कि आपको जो है पर्टिकुलर एक क्वार्टर का आपको ये गेस करना है कि इस क्वार्टर में हमको कितनी इनकम होगी या हम कितना ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप लास्ट 5 साल के इन 3 मंथ का डेटा आप उठा सकते हैं और उसी को देखते हुए आप इस बार भी इतना होगा। इसके लिए भी मिनिमम लेवल ऑफ मैथ्स की नीड है और हिस्टोरिकल डेटा ही बेस है इसका। ठीक है, थर्ड इज सिंपल लीनियर रिग्रेशन, कंपेयर वन इंडिपेंडेंट विद वन डिपेंडेंट वेरिएबल, मैथ इन्वॉल्व स्टेटिस्टिकल नॉलेज रिक्वायर्ड, डेटा नीडेड अ सैंपल ऑफ रेलिवेंट ऑब्जर्वेशंस। सिंपल लीनियर रिग्रेशन, इसका क्या मतलब है, ये वो टेक्निक है जब हम लोग एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक डिपेंडेंट वेरिएबल से कंपेयर करते हैं। मींस जैसे मान लीजिए किसी भी फर्म की जो ग्रोथ है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जब तक वो कंप्लीट नहीं होंगे तब तक ग्रोथ नहीं होगी, जैसे कि गुड्स अच्छे क्वालिटी के हो, उनका प्राइस कम हो, उनकी मार्केट वैल्यू अच्छी हो, उनका टारगेट मार्केट जो हो वो ठीक हो। ठीक है, उनको बहुत एडवर्टीजमेंट मिलते हो एंड ऑल। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए कि हम एडवर्टीजमेंट को उठाएं कि हमको इतने एडवर्टीजमेंट लास्ट ईयर मिले थे और इस बार भी इतने मिल रहे हैं। ठीक है, और उससे हम ग्रोथ को कंपेयर कर दें कि इतनी ग्रोथ होगी। तो यहाँ पे क्या है, एडवर्टीजमेंट एक इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बट यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, कंपनी की सेल्स या ग्रोथ, क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट पे डिपेंडेबल है, एक फैक्टर एडवर्टीजमेंट भी है।
ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन। इसमें स्टैटिस्टिकल नॉलेज की नीड बहुत हुआ करती है, डेटा में अ सैम्पल ऑफ रेलिवेंट ऑब्जर्वेशंस मींस जो ऑब्जर्वेशंस किए गए हैं उसके हिसाब से जो सैम्पल्स हो। कंपेयर मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद वन डिपेंडेंट वेरिएबल। अब जैसे कि सिंपल लीनियर में व्हाट डिड आई सेड कि जब हम लोग किसी डिपेंडेंट वेरिएबल को एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कंपेयर करते हैं, ठीक है। मल्टीपल में क्या है कि जब हम लोग एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल से एक डिपेंडेंट वेरिएबल को कंपेयर करते हैं। अब जैसे कि अब तक सिंपल लीनियर में हम लोगों ने क्या किया था कि सेल्स को एडवर्टीजमेंट से कंपेयर किया था। अब मल्टीपल में क्या है, एडवर्टीजमेंट से प्लस जो है हम प्राइस से किसे कंपेयर करते हैं, सेल्स को। तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, किससे कंपैरिजन हो रहा है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल से। इसके लिए भी स्टैटिस्टिकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है और इसके लिए भी जो ऑब्जर्वेशंस किए गए हैं उनके सैंपल चाहिए होते हैं। नाउ लेट्स सी दी वन लाइनर क्वेश्चंस। डैश रिसीवेबल सिस्टम इज अ टाइप ऑफ बिजनेस सिस्टम। मीन्स अकाउंट्स रिसीवेबल, रिसीवेबल मीन्स जो आपको मिलता है और आप जब बिजनेस करते हो तो आपको क्या मिलता है, इनकम, पैसा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अकाउंट्स रिसीवेबल सिस्टम इज अ टाइप ऑफ बिजनेस सिस्टम। नेक्स्ट, इफ द प्रॉफिट मोटिव इज मिसिंग इन अ ट्रांजैक्शन देन इट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जैसा कि मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी कहा था कि अगर प्रॉफिट मोटिव मिसिंग है किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन से तो वी कांट टर्म इट एज बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्योंकि बिजनेस का जो सोल एम जिस पे वो डिपेंडेंट है वो यही है कि प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। फिर द स्ट्रक्चर ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी वॉज इंट्रोड्यूस इन। ठीक है, फिर अ कॉरपोरेशन्स डेप्ट इज नॉट कंसीडर्ड एज ऑफ इट्स ओन ओनर। जैसा कि कहा गया कि कॉरपोरेशन की लीगल एंटिटी उसके ओनर से डिफरेंट हुआ करती है, इसीलिए कॉरपोरेशन के डेप्ट के लिए ओनर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, ही इज, बट उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी से वो देने के लिए बाउंड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज डैश डिसाइड्स हाउ द डेटा मस्ट बी हैंडल एंड इट्स मेथोडिकली प्रोसेस्ड। तो इसका आंसर क्या है, बिजनेस सिस्टम, ठीक है। फिर स्ट्रेट लाइन फोरकास्टिंग टेक्निक इन्वॉल्व्स डैश लेवल ऑफ मैथ्स। जाहिर सी बात है स्ट्रेट लाइन है, लास्ट ईयर के डेटा पे बेस्ड है, तो इस में जो मैथ्स की जो रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम लेवल की है, ठीक है। फिर मूविंग एवरेज फोरकास्टिंग टेक्निक यूजेस रिपीटेड फोरकास्ट, ठीक है। जैसा कि हमने कहा था कि जब आपको इन तीन मंथ का या एक क्वार्टर का आपको या हाफ ईयरली आपको निकालना है कि इसमें आपको कितनी सेल होगी, तो आप हिस्टोरिकल डेटा उठा के इन तीन मंथ्स को बार 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 देख सकते हैं कि हर साल इन क्वार्टर में कितनी सेल्स या इनकम हुई है, उसी बेसिस पे आप जो है इस साल के लिए भी आप प्रेडिक्टेड करते हो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिपीटेड फोरकास्ट हुआ करते हैं ना, कि मींस लास्ट बार ये इतना था तो इस बार भी इतना या इसके आसपास ही होगा, ठीक है। उसके बाद सिंपल लीनियर रिग्रेशन टेक्निक रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ स्टैट्स। इसमें स्टैट्स की नॉलेज की बहुत नीड हुआ करती है। आफ्टर दैट डैश कंपेयर्स वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद वन डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसा कि मैंने कहा था कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन में वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कंपैरिजन वन डिपेंडेंट विद और वन डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, जहाँ पे एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को वन डिपेंडेंट वेरिएबल से कंपेयर करते हैं उसको हम कहते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। सो विद दिस वी कम टू एन एंड टू दिस लेक्चर। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू सी सम न्यू टॉपिक्स। सो टिल दैट टाइम हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।